कैपिटल लिख रखे है दिल्ली कैपिटल्स, क्या मतलब है? आज की मेन डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम आवर साइड इज व्हाई दिल्ली कैपिटल्स आर नॉट विनिंग IPL 2023. Yes, absolutely right. They have few issues. सबसे पहले भाई कप्तान चेंज हुआ है. Really tough for them. New captain, new environment. और उसके बाद थोड़ा बहुत कसर टीम मैनेजमेंट ने भी रखी नहीं है इनकी. And if I have to point out one thing, तो मेरे को लगता है इस टीम में right combination as per the departments बिल्कुल नहीं है. हाँ, जब बॉलर की बात करें सबसे पहले जैसे PSL जो जीता है लाहौर कलंदर्स ने, फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको मैच जिता के देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. और शाहीन शफीदी बढ़िया अभी जीते हैं और हिसाब से इनके पास ले देके एक बॉलर है उसका नाम है एनिक नोकिया और वो बैठा है अफ्रीका में. यस, और सेकंड पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इनके जो ऑलराउंडर्स हैं दे आर लिमिटेड ऑलराउंडर्स और उनमें से भी वन ऑफ द मेन ऑलराउंडर मिचेल मार्श जो कि बॉल डाल ही नहीं रहा, ही इज इंजर्ड. एंड कुछ मैंने इमेजेस देखी भी थी वार्मअप्स में जहाँ पे उसने दो बॉल फेंकी और सिर्फ बोला मैं नहीं डाल रहा बॉल भाई, हमसे नहीं डलेंगे. वो थोड़ा है कोच क्रैम पड़ा, सिस्टम चल रहा है उसका. बट ही हैज द एबिलिटी कि भाई वो एज अ बैट्समैन भी परफॉर्म कर सकता है, उसने दिखाया है बिना बॉल डाले. बट लेकिन उसको बॉल डालनी पड़ेगी अगर DC को कुछ कमबैक करनी है इस टूर्नामेंट में तो. और अभी अगर इनका सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉल पॉइंट बोल सकते हैं फिलहाल जो लग रहा है बैट्समैन का क्या सीन है कि बैट्समैन नहीं बैटर चल रहा है भाई. जब से औरतों ने बल्ले उठाए हैं तब से बैट्समैन बैट्समैन नहीं रहे, बैटर बन गए हैं. औरतें तो बहुत लंबे टाइम से बैट उठाती आ रही है. दिल्ली कैपिटल्स का एक और इकलौता जो डिपार्टमेंट जो उनकी इज्जत के में बचा दे हमारी मोटी. यस यस, ऑल द बैटर्स. अगर हम ओपनिंग प्लेयर्स की बात करें जैसे डेविड वॉर्नर एंड पृथ्वी शॉ, दोनों के पास बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं. बट देयर इज अ कैच. डेविड वॉर्नर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है थोड़ा सा, है ना? क्योंकि वैसे भी पहले SRH में भी पोजीशन थोड़ी सी अनसर्टेन थी. और दूसरे भाई पृथ्वी शॉ हैंड आई कोऑर्डिनेशन के बादशाह, लेकिन अगर बॉल इधर उधर जाएगी तो भाई क्या. बैट और पैड का जो गैप है वो कई सालों से बंद हुआ नहीं है, कब करें बंद. मोहम्मद आसिफ अगेंस्ट सहवाग, अब अगर आज का टाइम देखे तो देयर इज लॉट ऑफ होमवर्क बिफोर यू एंटर द फील्ड. एग्जैक्टली, तो आप इतने बड़े लूप होल में तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा. सिर्फ हाई बैक लिफ्ट से और हैंड आई कोऑर्डिनेशन से तो यार रन बनेंगे नहीं पृथ्वी भाई. वही है कि आपको अपना गैप तो बंद करना पड़ेगा पृथ्वी भाई. और मेरे को लगता है कि टेक्निकल फ्लोज तो इस टूर्नामेंट में ठीक कर नहीं सकते हैं, बैट्समैन का माइंडसेट ही ठीक कर सकते हैं मेरे को लगता है. एग्जैक्टली, द मेजर कंसर्न फॉर मी राइट नाउ इज द विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज खान. और कल जो मैच में देखा कि निकोलस पूरन को जैसे स्टंप का ऑप्शन था वो मिस हो गया. यू कांट मेक मिस्टेक्स इस लेवल पे, यू डोंट हैव लाइक रूम स्पेस मिस्टेक्स करने के लिए. यह वो है तो उससे तो काम बना है, ऐसे ऐसे तो नहीं पकड़ी जाएगी बॉल उस्ताद, ऐसे तो भाई मछली पकड़ी जाएगी. वन बैटर जिसके जो मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं वो रेली रोसो और PSL का एक्सपीरियंस लेके आए, मुझे लगता है कि उसको आप पेस से बीट कर पाओगे इस टूर्नामेंट में. पॉइंट इन माइंड लाइक ही प्लेड PSL फ्लैट डेक्स थे, फ्लैट डेक्स 240 ड्रैग्स 250 ट्रैक्स पे फिलहाल के 2.5 महीने फ्लैट डेक्स पे रहे हैं. और मेरे को लगता नहीं वहां पे इतने क्लास स्पिनर्स थे जो अपने कंट्रीज में है फिलहाल, उसको कंसिडर करते हुए डिफिकल्ट कंडीशंस में मजा आएगा देख के. आई थिंक द वेरी नेक्स्ट फॉरेन प्लेयर दे शुड फोकस ऑन इज एनरिक नोकिया. उनके बिना फिर बॉलिंग के बिना इस टूर्नामेंट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिना एनरिक नोकिया के. यू आर डन, एक आधा मैच निकाल लोगे बैटिंग के बल पे, पर बॉलिंग के बिना तो ये टूर्नामेंट क्वालिफायर्स और मेन पोजीशंस मेंटेन नहीं कर सकते. इसमें मुश्किल से बुढ़ापा लिखेगा इस करी सीजन में तो पॉइंटिंग सब होगा. सो दैट इज द टेक फ्रॉम माय साइड एंड मिस्टर लोचो. यस यस यस, वी विश गुड लक टू दिल्ली कैपिटल्स. आई होप दे परफॉर्म रियली वेल एंड सबको एक बढ़िया एंटरटेनमेंट जैसे कल दिया था. अरे 500 सब्सक्राइबर आ धन्यवाद, देख दे रहो माड़ी मोटी लाइक कर दे रहो शेयर कर दे रहो कर ले भाई देख लियो थम बड़े मैच देखोगे थोड़ा बहुत यार भी देख लियो ना स्वाद पूरे आऊंगे देखो भाई 2-3 मिनट की वीडियो होंगी पूरे स्वाद आऊंगे पूरा मैच का बेरा पड़ जाएगा टूर्नामेंट का बेरा पड़ जाएगा चढ़ाई पार्ट जाएगा भाई.